सर्दियों में जब भी हम लोग नहाते हैं तो हमें हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई और खिंची खिंची फील होती है। इस प्रॉब्लम के लिए आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ DIY सोप। इसको यूज़ करने से आपकी स्किन एकदम मॉइस्चराइज रहेगी और आपको विंटर ड्राइनेस नहीं होगी। तो चलिए इसको बनाना देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोई सोप बेस। आप ग्लिसरीन सोप बेस कोई भी यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही ईजिली अमेज़ॉन पे मिलते हैं, या आप मेरी तरह पेयर सोप का यूज़ कर सकते हो, ये भी एक ग्लिसरीन सोप होता है। ग्लिसरीन सोप यूज़ करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी जल्दी मेल्ट हो जाता है और सर्दियों के सीज़न में वो ऑलरेडी हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहो तो इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हो। मैं इसे कट कर रही हूँ। पेयर सोप बहुत ही ईजिली कट हो जाता है। एक बार जब ये अच्छे से कट हो जाएगा तो आपको अब इसको मेल्ट करना है। आप चाहो तो डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हो। मैं इसे नॉर्मल पैन में मेल्ट करूँगी। इसे एक पैन में डाल दूँगी और अब मैं इसको मेल्ट करूँगी। बहुत ही ईजिली आप देख सकते हो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम लोग इसे गैस पर रखते हैं। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो हम लोग इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और हमारी स्किन खिंची खिंची फील होती है, तो ग्लिसरीन को यूज़ करने से हमारी स्किन बहुत ही हद तक मॉइस्चराइज रहती है और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रहती है। 2 चम्मच आप इसमें ग्लिसरीन यूज़ कर लीजिए। दूसरा इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। कोकोनट ऑयल इसलिए नहीं यूज़ कर रही क्योंकि वो जम जाता है सर्दियों में, तो आप ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल या जोजोबा ऑयल का यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे शहद यानी कि हनी, जो कि खुद एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, डीपली हाइड्रेट करता है। सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा सोप का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसको सेट करना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक सोप मोल्ड। अगर आपके पास कोई सोप मोल्ड नहीं है तो आप इसे किसी बाउल में कटोरी में आराम से सेट करने के लिए रख सकते हो। सिलिकॉन सोप मोल्ड में सोप सेट करने से बहुत ईजिली निकल जाता है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब इसको आपको अपने मनचाहे शेप दे देना है, कोई भी शेप जो आपको पसंद हो। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है सेट होने के लिए। मैं इसको छोड़ दूंगी कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहो तो फ्रिज में भी इसको रख सकते हो। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा सोप जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख सकते हो, मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। सोप जो है बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है और इसका शेप भी बहुत अच्छा आया है। आप चाहो तो कोई भी सोप यूज़ करके इसको बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे पेयर्स यूज़ किया है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने सोप से ही सोप बना दिया, तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप यहाँ पे सोप ग्लिसरीन वाला जो सोप बेस आते हैं उसको यूज़ कर सकते हो। कोई भी सोप बेस आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस साबुन से नहाने से आपकी स्किन ड्राई नहीं फील होगी, बिल्कुल भी खिंची खिंची नहीं फील होगी और आपकी स्किन एकदम मॉइस्चराइज रहेगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।